अध्याय तीन। सो यहूदी की क्या बढ़ाई अथवा खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो ये कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं। वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या ये कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? ये तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी की नाई में दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? और हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले, जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है? और कितने कहते हैं, इनका यही कहना है, ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, जिससे हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। कारण कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो मसीही पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करें, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और यीशु पर विश्वास करें, उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो, तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हां, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं?
कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं।